नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगदर। आइए देखते हैं अब तक की सुर्खियां। और आज मैं जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान की अध्यक्षता में हुई केडीपी सभा। बिदर में नगर सभा चुनाव के मतदान शांतिपूर्ण हुए। वार्ड नंबर 26 और 32 के हुए मतदान आज। किसानों के बच्चों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना 5 को मुख्यमंत्री करेंगे जारी। यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दाव, राम की नगरी से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। भारत बांग्लादेश के बीच फिर शुरू होगी उड़ानें, द्विपक्षीय एयर बबल पैकेज के तहत शुरुआत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। गडकरी की चेतावनी, हाईवे प्रोजेक्ट में क्वालिटी से समझौता करने पर होगा एक्शन। 18% कोरोना मौतों के लिए एंटीबॉडीज जिम्मेदार, इम्यूनिटी सिस्टम पर ही कर दिया हमला। दुनिया देखेगी भारत की संस्कृति, दुबई एक्सपो में अयोध्या और राम मंदिर का भी होगा प्रदर्शन। सोशल मीडिया में जजों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने पर सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। जेईई मेंस परीक्षा फर्जीवाड़ा, सीबीआई ने दिल्ली पुणे समेत 19 ठिकानों पर मारा छापा। भारत अमेरिका के बीच बड़ा करार, एयर लॉन्च अनमैंड एरियल व्हीकल की डील पक्की। मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास भ्रष्टाचार संबंधी 200 से अधिक शिकायत लंबित, सीवीसी। फिर बढ़ेगा बवाल, मिजोरम ने आसाम पुलिस पर लगाया वर्कर के किडनैपिंग का आरोप, की यह मांग। ब्रह्मा कुमारी रीति रिवाज में हुआ सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। दिलीप कुमार के निधन के बाद डिप्रेशन से जूझ रही सायरा बानू, अभी भी आईसीयू में भर्ती। चीन हमारा सबसे अहम साझीदार, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का भी करते हैं समर्थन तालिबान। पाकिस्तान ने भी माना संकट में अफगानिस्तान, लेकिन अपने लिए बताया लंबे इंतजार के बाद आया मौका। जिस डिवाइस ने कभी काम ही नहीं किया, उसी के सहारे थेरानॉस कंपनी के संस्थापक एलिजाबेथ होम्स मशहूर हो गई थी। सड़क से किचन तक महंगाई की चक्की में पीस रहा आम आदमी, पेट्रोल डीजल एलपीजी के साथ उबल रहे खाद्य तेल। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।